Good morning, students. I hope you all are doing good at home. So we have started chapter number 5, Judiciary. तो बच्चे हमने पढ़ा था कि अगर सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोअर कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद अगर वहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर हाई कोर्ट में भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ना? तो ये तो आपको समझ आ ही गया कल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या सभी के पास इतना एक्सेस है कि वो कोर्ट में जा सकें? सबसे पहले टू प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कोर्ट्स में जाने के लिए. फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के पास इतनी मनी नहीं होती कि वो वहाँ पर जो है केस फाइल कर सकें. सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जो हैं वो हमारी इंडिया में अगर देखा जाए तो इलिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं. सो उनको पता नहीं है कि क्या प्रोसीज़र उनको फॉलो करना चाहिए अगर कोई केस फाइल करना है ना. तो ये सारी दिक्कतें जो आती हैं जब वो केस फाइल करना चाहते हैं, ठीक है. मेन पॉइंट्स यही दो हैं कि उनके पास इतना मनी नहीं है. दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको पूरे प्रोसीज़र के बारे में पता चले. सो फर्स्ट पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है. उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1980 में एक लिटिगेशन बनाई थी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें उन्होंने एक्सेस जो था इंक्रीज़ कर दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले. ओके, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल, लाइक हमारे बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल केस फाइल कर सकता है, जो कि होगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी. ओके, सो इसका जो लीगल प्रोसेस था वो बिल्कुल सिंपल रखा, जिसमें जस्ट दे हैव टू राइट अ लेटर. ओके, सो उनको लेटर या फिर टेलीग्राम जो है वो लिख के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो एड्रेस करना पड़ता है, जो कि PIL ही माना जाएगा, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सो पुराने टाइम में, अर्ली ईयर्स में, PIL जो था वो यूज़ किया जाता था ताकि सिक्योर रहे, जस्टिस मिल सके लोगों को. लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वो इसके थ्रू जो थे अपनी कंडीशंस को बताते थे, तो इस तरीके से वो वर्क करते थे. अब यहाँ पर अगर आप पिक्चर्स में देख सकते हो, फर्स्ट में क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है कि 2001 में राजस्थान में, जो कि राजस्थान और उड़ीसा में ड्रॉट आने की वजह से लोगों के पास पानी नहीं था पीने के लिए भी, और शॉर्टेज ऑफ फूड भी वहाँ पर था. ओके, सेकंड ये है कि यहाँ पर जो ग्रेन पड़ी है, यहाँ पर जो रैट्स हैं वो ग्रेन ख़त्म करते जा रहे हैं. और थर्ड पिक्चर में ये है कि लोग जो हैं भूखे बैठे हैं, ठीक है, थर्ड पिक्चर में ये शो कर रहे हैं. और फोर्थ में ये है कि गवर्नमेंट जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी बात उनको खाना प्रोवाइड कर रही है चीपर रेट्स पे. समझ आया? जैसे अब मिड डे मील भी स्टार्ट की हुई है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी होती है, बट गवर्नमेंट स्कूल में तो होती ही होती है मिड डे मील, फ्री में हर एक स्टूडेंट को जो है वो खाना खिलाया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट जो है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि PIL जो है होता क्या है. PIL जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये मेन मोटिव रखा गया था कि लोगों के पास पहुंचना है, हर एक पर्सन को जो है जस्टिस मिलना चाहिए, इसीलिए जो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए थे. और इसमें हर एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी पिटीशन, मतलब कोई भी अपनी जो है वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेटर, जस्ट दे हैव टू राइट अ लेटर, लेटर करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपना जो है एड्रेस करना होता है, आफ्टर दैट उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है. बट इसमें भी बहुत सारी जो थी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो
उनका रिजल्ट था जब भी कोई मतलब केस फाइल करते थे विद द हेल्प ऑफ लेटर या पिटीशन देते थे, तो वो बहुत डिले करते रहते थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसमें दो केसेस आए हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 में क्या हुआ था, एक कपिला हिंगरौनी थी, हिंगरानी, वो लॉयर है बिहार से, उसने एक केस फाइल किया पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में, जो कि प्रिजनर्स के बिहाफ पे थी जो कि बिहार के थे। उनका केस जो था अंडर ट्रायल पड़ा था बहुत सालों से, जैसे होता है ना केस रुक जाते हैं ना काफ़ी टाइम तक, उसको ओपन ही नहीं किया जाता केसेस को, तो उसके बिहाफ पे उसके अगेंस्ट इन्होंने मतलब पिटीशन करी। कोर्ट इन इट्स जजमेंट, कोर्ट ने ये जजमेंट करी कि पर्सन के पास राइट है कि वो स्पीडी ट्रायल कर सके, मतलब उस केस को जो है जल्दी से ओपन करवा सके। फंडामेंटल राइट टू लाइफ है उनके पास, पर्सनल लिबर्टी है, और एक कंपलसरी है हर एक स्टेट का कि उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए अंडर ट्रायल्स, जब भी ट्रायल हो रहा होता है। तो ये भी बिगनिंग थी इनकी PIL सिस्टम की। उसके बाद एक सेकेंड एग्जाम्पल ली गई है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था बच्चे, 1986 में एक सोशल एक्टिविस्ट थे जो कि MC मेहता थे, उन्होंने भी एक फ़ाइल की थी केस PIL, जो कि सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने डिमांड किया था कि जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स प्लांट हैं उनके बच्चे, उनकी जो फैक्ट्री थी और इंडस्ट्री थी ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता था जिससे बहुत सारे लोगों को जो थी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कि दिल्ली के एरिया में थी। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वो ऐसा कोई रिस्क नहीं होना चाहिए उनकी इंडस्ट्रीज से ह्यूमन लाइफ पे, और कंपनीज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनीज़ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये भी इन्होंने मतलब PIL जो थी वो लिखी थी, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला था। आपको समझ आ गया अब, आई होप सो। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने लर्न करने हैं, साथ के साथ करते रहना, कल से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको कोई इस टॉपिक के रिलेटेड डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।